दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है और ये घटना मेरे और मेरे साथियों के साथ आज से 7 साल पहले जनवरी 2013 में घटी थी। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में स्कीइंग का मजा लेने और पूरा दिन मौज मस्ती करने के बाद मैं, रजत, कामना और पायल शाम को शिमला की ओर अपनी गाड़ी BMW में जा रहे थे। सर्दियों के दिन थे, जनवरी का महीना था और शाम के 6 बजे ही गहरी रात हो चुकी थी। गोल घुमावदार रास्तों में हमारी कार अंधेरों को चीरती हुई घने पेड़ों के बीच चलती जा रही थी। टूरिस्ट टैक्सियां भी वापस शिमला जा रही थी। कुफरी की ओर मुश्किल से एक या दो कारें ही जाती हुई नजर आईं। लगभग आधा सफर कट गया। कार के स्टीरियो की तेज आवाज के साथ साथ हंसी मजाक करते हुए और सफर का आनंद लेते हुए हमें वक्त का पता ही नहीं चला कि तभी अचानक हमारी कार झटके मारने लगी। मैंने पूछा, झटके मारते हुए क्यों चला रहे हो भाई? तो कुमार बोला, प्रशांत भाई, मैं तो कार ठीक से चला रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये कार अचानक से झटके खा रही है। चलो कार को थोड़ा साइड करके देखते हैं, हो सकता है कि डीजल में कचरा आ गया हो, थोड़ी रेस देते हैं। कुमार ने क्लच दबाते हुए कार का एक्सीलेटर दबाया, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। कार झटके खाते हुए रुक गई। हम सोच में पड़ गए कि अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि काली रात के साए में कुछ नजर नहीं आ रहा था और हद तो इस धुंध ने कर दी थी। धीरे धीरे धुंध बढ़ती जा रही थी, ठंड भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। हमने कार सड़क की एक साइड पर खड़ी कर दी। रास्ते पर मुश्किल से एक या दो कार या टैक्सी आना जाना कर रही थी। कुमार बोला, प्रशांत, लगता है हमें बाहर निकलकर मदद मांगनी पड़ेगी, कार में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हम चारों कार तो चलाना जानते हैं, लेकिन कार की मैकेनिक गिरी में हम चारों फेल हैं। बाहर निकलकर देखते हैं, शायद कोई कार या टैक्सी से मदद मिल जाए। ये कहकर कुमार कार से बाहर निकला और तभी एक ठंडी हवा के तेज झोंके ने हमारा स्वागत किया। हमारे शरीर में झुरझुरी सी फैल गई। मैं भी कार से बाहर निकला, पायल और कामना कार के अंदर बैठे रहे। बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। हम सभी दिल्ली के रहने वाले थे। हम दोनों की हालत ठंड से खराब होने लगी। कुमार बोला, प्रशांत, अगर हम थोड़ी देर और खड़े रहे तो हमारी कुल्फी बन जाएगी। तो मैंने कहा, ठीक कह रहे हो भाई, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, लिफ्ट मांगकर ही शिमला चलते हैं, कार को यहीं छोड़ते हैं, सुबह शिमला से मैकेनिक ले आएंगे। रात का समय था, गाड़ियों की आवाजाही भी बहुत कम थी। काफी देर बाद एक कार आई, लेकिन उस कार में वैसे भी 5 सवारियां थी, इसलिए हमें कोई मदद नहीं मिल सकी। ऐसे ही 2-3 और कारें आई, लेकिन वे सभी भरी हुई थी, कोई लिफ्ट नहीं दे सका। तभी एक टैक्सी रुकी, पर उसने कहा, जनाब, मारुति, होंडा या फिर टोयोटा की गाड़ी होती तो देख लेता, ये तो BMW है, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, टैक्सी में एक सीट खाली है, मेरे साथ ये पति पत्नी कुफरी से लौटकर शिमला जा रहे हैं, आप चाहें तो इनके साथ जा सकते हैं और वहां से मैकेनिक लेकर अपनी गाड़ी ठीक करवा सकते हैं। इसके बाद टैक्सी में बैठे पति पत्नी ने हमें अपने साथ जाने की इजाज़त दे दी। कुमार टैक्सी में बैठकर शिमला की ओर रवाना हो गया, लेकिन मैं वहीं रहा और पायल और कामना के साथ बातों में लग गया। धुंध पड़ती जा रही थी। कुछ देर बाद मैं ताज़ी हवा खाने कार से उतरा। कामना और पायल कार में बैठे बोर हो गई थी। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए दोनों कार से बाहर उतरी। कपकपा देने वाली ठंड थी, इसलिए मैंने उन दोनों से कहा, कार में बैठो यार, बहुत ठंड है, कुल्फी जम जाएगी। वे बोले, बस 2 मिनट, मौसम का मजा लेने दो, फिर कार में बैठते हैं। मैंने कहा, अरे भूतिया माहौल है, चलो कार में बैठते हैं। मेरी ये बात सुनकर पायल और कामना दोनों खिलखिलाकर हंसे और पायल बोली, भूतिया माहौल नहीं, मुझे तो फिल्मी माहौल लग रहा है, किसी भी फिल्म की शूटिंग के लिए परफेक्ट जगह है। काली अंधेरी रात और धुंध के साथ सुनसान पहाड़ी सड़क, हीरो हीरोइन का रोमांटिक मोड और मुझे कोई गाना याद आ रहा है। इस पर कामना बोली, तुम दोनों गाओ, मेरा रोमांटिक पार्टनर तो मैकेनिक को लेने गया है। ये सुनकर हम तीनों हंस पड़े। हम अपनी बातों में मस्त थे, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि कोई हमारे पास बैठा है और हमारी बातें सुन रहा है। एक शख्स जिसने कुल्फी जमा देने वाली ठंड में सिर्फ एक टी शर्ट और पैंट पहनी हुई थी,
और मेरे पास आकर बोला, साहब क्या आपके पास माचिस है? इतना सुनकर हम तीनों चौंक गए। जहां हम तीनों ठंड में कांप रहे थे, वहीं वो शख्स केवल टी शर्ट और पैंट पहनकर खड़ा था, मानो उसे कोई ठंड नहीं लग रही थी। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और पूछा, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कहने लगा, आप भूतिया माहौल की बात कर रहे थे, क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी भूत देखा है? मैंने कहा, नहीं, हम दिल्ली में रहते हैं ना, इसलिए ना तो कभी भूत देखा है और ना ही कभी विश्वास किया है भूतों पर। फिर मैंने पूछा, क्या आप विश्वास करते हैं? वह बोला, हम पहाड़ी आदमी हैं साहब, हर पहाड़ी आदमी भूतों को मानता है, उनका अस्तित्व होता है। उस शख्स की भूतों की बातें सुनकर कामना और पायल से रहा नहीं गया, उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। वो कहने लगी, भाई कुछ बताओ भूतों के बारे में, फिल्मी माहौल हो रहा है, कुछ बात बताओ। वो शख्स आगे बोला, देखिए बहन जी, हम तो मानते हैं, आप जैसा कह रहे हैं कि शहरों में भूत नजर नहीं आते, हो सकता है नहीं आते होंगे, लेकिन पहाड़ों में हम अक्सर देखते रहते हैं। तो मैंने पूछा, कहाँ से आते हैं भूत और दिखने में कैसे होते हैं? उस शख्स के हाथ में सिगरेट थी, वह सिगरेट को हाथों में घुमाता हुआ बोला, भूत हम जैसे ही होते हैं, लेकिन वे रोशनी में नजर नहीं आते। इस पर पायल ने पूछा, होते कौन है भूत और वे कैसे बनते हैं? तो वह शख्स बोला, यहाँ पहाड़ों के लोगों का मानना है कि जो लोग किसी दुर्घटना में मौत के शिकार होते हैं या फिर जिनका कत्ल कर दिया जाता है, वह भूत बन जाते हैं। मैंने पूछा, क्या वह किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाते? तो वह बोला, ऐसा जरूरी नहीं है साहब, अच्छे भूत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे पास सिगरेट है, आपके पास माचिस है तो दीजिए, मैं सिगरेट जलाता हूँ। मैंने जेब से लाइटर निकालकर जलाया और उसने सिगरेट जलाई, लेकिन ये क्या, लाइटर की रोशनी में हमें सिर्फ सिगरेट ही नजर आई और वह शख्स गायब था, और लाइटर बंद होते ही वह शख्स फिर से नजर आने लगा। यह नजारा देखकर हम तीनों की चीख निकल गई और डर के मारे हम बेहोश हो गए। वह शख्स दूर खड़ा सिगरेट पी रहा था। तभी वहां से एक आर्मी का ट्रक गुजरा, उसने ट्रक को रुकने का इशारा किया और ट्रक ड्राइवर उसे देखकर समझ गया कि वह कौन है। उस ट्रक में से आर्मी के जवान उतरे और उन्होंने हम तीनों को ट्रक में डालकर एक अस्पताल में भर्ती कराया। अगली सुबह कुमार कार मैकेनिक के साथ एक टैक्सी में आया। हमारे वाहन ना होने पर वह परेशान हो गया कि हम तीनों कहाँ गए। वह शख्स जो कुछ ही दूरी पर सिगरेट पी रहा था, उसने कुमार को बताया कि ठंड में हम तीनों की तबीयत खराब हो गई थी और आर्मी के जवान उन्हें अस्पताल ले गए हैं। ये कहकर वह शख्स वहां से चला गया। मैकेनिक ने कार ठीक की और कुछ देर बाद कुमार सीधा अस्पताल पहुंचा, जहां हमें दाखिल किया गया था। उसने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने कहा कि हम तीनों को भारी सदमा लगा है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन सदमे से उभरने में उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। कुमार को कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि हम लोग उसे कुछ बताने की हालत में नहीं थे। अगले दिन आर्मी ऑफिसर हम तीनों को अस्पताल में देखने आए। उन्होंने कुमार से कहा, आई एम कर्नल अरोड़ा, मेरी यूनिट ने आपके तीनों साथियों को अस्पताल में एडमिट कराया था। कुमार ने पूछा, सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से इन्हें हो क्या गया। तब कर्नल अरोड़ा ने कुमार को उस रात की घटना के बारे में सब कुछ बताया कि वह शख्स जो उनसे माचिस मांग रहा था, वह असल में इंसान नहीं बल्कि किसी की आत्मा थी, जिसे देखकर आपके तीनों साथी सदमे में चले गए और बेहोश हो गए, लेकिन वह एक अच्छी आत्मा थी, अच्छे भूत कभी किसी का नुकसान नहीं करते, और उसने आपके इन तीनों साथियों की मदद की, हमारे ट्रक को रोका और आपके वापस आने तक वहीं रुका रहा। शाम तक हम तीनों को होश आ गया। दो दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिली और हम सब वापस दिल्ली आ गए, लेकिन सदमे से उभरने में हमें लगभग 3 महीने का वक्त लग गया। आज 7 साल बीत चुके हैं इस घटना को, तब से लेकर आज तक हम चारों कभी भी रात को घूमने नहीं निकलते, बस घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, यही रूटीन है हमारा। इस घटना को याद करके आज भी हमारी सांसें थम जाती हैं।
ये तो शुक्र है कि वो एक अच्छी आत्मा थी जिसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और हमारी मदद भी की। लेकिन उसकी जगह अगर कोई बुरी आत्मा होती तो शायद आज हम जिंदा ना होते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर अपनी कहानियां भेज सकते हैं।